मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रसमल ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। हिंदुस्तान में कव्वाली फील्ड में राहत फतेह अली साहब के बाद सबसे पहला आपका छोटा भाई है जुनैद सुल्तानी, जिसने ये गज़ल गाई है और लोगों ने बड़ी पसंद करी, और वही पसंद की वजह है कि आप लोगों ने मुझसे फरमाइश करी। जितने भी लोग गज़ल के शौकीन हैं, कभी कभी ये कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी वक़्त मेरे दिल से उतर जाएगा, वक़्त मेरे दिल से उतर जाएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जा। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, तेरे बिना, अब मुझको जीना है तेरे बिना। देखिए एक, एक बात तो सच है, मगर थोड़ी सी कभी कभी कुछ बातें अटपटी सी लगती हैं, और हम वो फनकार हैं कि हमें हर एक बात को बड़े लहजे से कहना पड़ता है, क्योंकि साहिब हमें हिंदुस्तान में भी और इंटरनेशनल लेवल से तमाम सूफिया भी सुनते हैं, तमाम ऑडियंस भी सुनती है, मगर हजरत एक लफ्ज़ ऐसा है कि दिल टूटना, और ऐसा कोई दिल ही नहीं, ऐसा कोई दिल ही नहीं है जो ना टूटा हो। तो जितने दिल टूटे हुए लोग हैं, मैं उनके लिए ये पेश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी बैठे हैं। मैं समझा था तुम, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ए, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, तुम हो मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत हो तो तगा कीजिएगा, मुखर जाइएगा। 1 2 3 जीना है इंशाल्लाह, कोई मेरी गज़ल में आपको ऐसी बात नहीं मिलेगी कि जो थोड़ी सी उसूल के खिलाफ हो,
मुझे अल्फाज पसंद आते हैं तो मैं जरूर पेश करता हूँ। अरिजीत सिंह ने एक गजल गाई है, उसके अल्फाज इतने खूबसूरत और इतने साफ सुथरे जो मैं स्टेज पे पढ़ सकता हूँ सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में, सिर्फ मोहब्बत में। क्या प्यार झूठा था जताया ही, प्यार झूठा था जताया ही, ऐसे जाना था तो अच्छा। अंबिकापुर वाले ये मेरे लिए भी कह रहे हैं ये बात, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो ऐसे जाना था तो आया ही है, मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को हरा और हरा कर दिया। जीना है दर्द दिल के बिना, जो ना टूटा वो कभी, जो ना टूटा वो कभी, दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, जो ना टूटा वो कभी दिल, जो ना टूटा वो कभी, जो न टूटा वो कभी, जो न टूटा वो कभी, दिल ही क्या है, मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को हरा और हरा कर दिया। यार बेदर्द है बदला जो वक्त उसने मोहब्बत बदल दी। बदला जो वक्त उसकी मोहब्बत बदल गई। सूरज ढला तो साए की सूरत बदल गई। एक उम्र तक हम उसकी जरूरत बने रहे, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। रूह को गुदगुदा के देखा था, उसके नजदीक आके देखा था, रूह को गुदगुदा के देखा था, उसके नजदीक आके देखा था, मुझको इल्जाम देने वाले बता, तूने क्यों मुस्कुरा के देखा था, तूने क्यों मुस्कुरा के देखा था, तूने क्यों मुस्कुरा के देखा था। एक चिंगारी डाल के जा रहा हूं, जितने नौजवान पीछे खड़े जो जने कहां कहां से मुझे सुनने आए, जने कहां कहां से, क्योंकि हम पे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है साहब, क्योंकि मजमा जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, तो जब फनकार स्टेज पे होता है तो उसको सबका मान रख के चलना पड़ता है। उसी मान के लिए इन्होंने कमेटी वालों ने कहा कि जुनैद भाई गजल पढ़ दीजिएगा। एक चिंगारी डाल रहा हूं, जो अगले आने वाले साल अंबिकापुर मुझे फिर याद रखेगा, मैं आऊं या ना आऊं, पिछले साल तो मैं वादा करके गया था, मगर इस बार पता नहीं अल्लाह खुशियों के साथ जब भी मुलाकात कराए। एक छोटी सी तड़प तड़प के इस दिल जीना है, तेरे बिना जीना है, तेरे बिना अब मुझको जीना है। अपने जुनैद को देखे भी, अपने जुनैद को देखे भी और सुने भी। परवीन जी, रानी जी, यार तू मेरे सामने आया क्यों था, मेरे दिल को तू भाया क्यों था, जब तेरे दिल में कुछ भी नहीं तू मुझे देख के मुस्कुराया क्यों था। तेरा यार इधर तो देखो, जरा घूम जाए, अब इन्हें चचा को थोड़ा
अच्छा जानी छोड़ना है बिल्कुल। मेरी जान भाई मेरे बेटे में मौला सलामत रखे, बड़ा अच्छे आर्टिस्ट है। हाँ ओम भो एक सौ साठ घर राटे गाड़ रखे चाचा। तेरा हाथ कल तक, तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। ये मखमूर आंखें कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे। बचा के नजर को गुजर जाइएगा।